अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माई फ्यूचर एम एन एस ऑफिस कैसे हैं आप सब आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो वेलकम बैक टू माई चैनल एम एन एस जोन एंड दिस इज रिया कुमारी सो फर्स्टली थैंक यू सो मच टू माई यूट्यूब फैमिली आज आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ और आप लोगों के सपोर्ट की, सपोर की वजह से मैं इतनी आगे बढ़ पाई हूँ सो थैंक यू थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट्स के वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ आगे और वीडियोस बनाने के लिए तो ये कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं जो लास्ट वीडियो में मुझे मिला है काफी मोटिवेट हुई हूँ आपके कमेंट से सो थैंक यू सो मच एवरी और इसी तरह आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूंगी जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा पर्पज सिर्फ एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा एम एन एस्पिरेंट्स फ्यूचर एम एन बने ज्यादा से ज्यादा एस्परेंट्स क्लियर करें इस साल तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को सो तो आज का जो वीडियो है वो है इम्पोर्टेंट डेट्स तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ प्लीज़ मिस मत करना प्लीज़ वॉच इट टिल एंड और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स रिगार्डिंग मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन सो द ऑप्शन आर डिसम्बर ट्वेंटी फोर डिसम्बर टेन मे वन मे एट so the United Nation has announced that the theme of the Human Rights Day this year will be equality तो मैं आपको बता दूँ theme भी important है please आप लोग theme करके जाइएगा कई बार पूछ लेते हैं and it has taken theme from Article one of the UDHR ठीक okay? है so UDHR which says ऑल ह्यूमन बींग्री एंड एकटी एंड राइट राइट तो जो ह्यूमन राइट डे जो एब्जर्व हुआ था वो हुआ था टेन दिसंबर सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दिसंबर टेन ठीक है थीम आप लोग प्लीज याद रखिएगा और एक और एक चीज़ आपको मैं बता दू ये अडॉप्ट किया था दिस असेंबली नाइनटीन फोर्टी एट ठीक है ईयर भी याद रखिएगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रही हूं ये इंपॉर्टेंट है सो थीम एंड ईयर दोनों इंपॉर्टेंट है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इज इन द मेमोरी ऑफ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन आर नवंबर फोर्टीन ऑगस्ट ट्वेंटी जून फाइव एंड ऑगस्ट ट्वेंटी नाइन तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि मेजर जो ध्यानचंद है उनको बदबोला जाता है विजार्ड ऑफ हॉकी ठीक है विजार्ड ऑफ हॉकी बोला जाता है इन्हें ही इज नोन एज विजार्ड ऑफ हॉकी ये याद रखेगा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा देन ही इज द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया सो so, मेजर ध्यानचंद जो है वो बॉर्न हुए थे ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑगस्ट ट्वेंटी नाइन ठीक है नाइनटीन में वो बॉर्न हुए थे एंड आपको एक बार बता दें कि ध्यानचंद uh, जो है उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था एज अ सोल्जर इन 1922 ट्वेंटी टू ऑल राइट सो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है मेजर ध्यानचंद के uh, बारे में और एवरी uh, ईयर uh, इनके बर्थडे पे मनाया जाता है 29 अगस्त को ठीक है इनके बर्थडे पे मनाया जाता है ऑल राइट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे ज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मलेरिया डे तो ये इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए ठीक है ये इम्पॉर्टेंट so, है सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो थीम है वर्ल्ड मलेरिया डे का वो है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट ठीक है ये याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है और जो मलेरिया डे है ये हुआ था ऑब्जर्व ट्वेंटी फाइव अप्रैल ट्वेंटी फाइव अप्रैल ये ऑप्शन में नहीं है सॉरी फॉर दैट बट मैं आपको बता रही हूँ ट्वेंटी फाइव अप्रैल में इसे ऑब्जर्व किया गया था और ये हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका जो एम है दैट इज टेकिंग अर्जेंट एक्शन इन द कंट्रोल ऑफ द डेडली डिसीज तो आप लोगों को पता ही होगा द फीमेल एनोफिल मॉस्किटो है हु प्लाज्मोडियम पैरासाइट थ्रू देर सलाइवा विच कॉजेज मलेरिया ठीक है तो आपको पता होगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन आर नाइन जनवरी फिफ्टीन जनवरी 10 जनवरी एंड 19 जनवरी सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 9 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है पी बी डी प्रवासी भारतीय दिवस और ये किया जाता है मार्क टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसी इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ठीक है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन सो द ऑप्शन आर सेवन जनवरी नाइनटीन ऑक्टूबर नाइन्थ दिसंबर एंड टेन जून सो द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन नाइन्थ दिसंबर ठीक है राइट आंसर इज द ऑप्शन सी टू रेज द अवेयरनेस ऑफ करप्शन एंड द रोल ऑफ द कन्वेंशन इन द कम्बैटिंग एंड प्रिवेंटिंग इट और आप लोग याद रखिएगा इसका जो थीम है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे का टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो थीम है दैट इज योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन ठीक है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है इसे आप मार्क कर लीजिएगा ऑप्शन आर फर्स्ट दिसंबर टेन जनवरी सिक्स मार्च नाइनटीन अप्रैल तो मैं आप लोगों को बता दू कि पहला जो टाइम था जो सेलिब्रेट किया था वो कौन से ईयर में किया गया था यह आपको जानना भी जरूरी है तो वो किया गया था नाइनटीन एटी एट में ठीक है और जो थीम है इस साल का 2021 का जो थीम है अभी तो 2022 चल रहा है राइट तो आप लोगों को थीम 2021 का याद रखना होगा सो दैट इज एंड इन इक्वालिटीज एंड एड्स ठीक है सो तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए फर्स्ट दिसंबर नाउ मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन ए फोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ठीक है ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए आपके तीनों फोर्सेस को कि कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन नेवी इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर एयरफोर्स राइट सो ऑप्शन फोर जनवरी फिफ्टीन अक्टूबर एट एंड दिसंबर सेवन ठीक है तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं जो न्यू बने हैं वो कौन हैं तो वो हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ठीक है और नेक्स्ट ये है आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ एयरफोर्स सो द राइट आंसर इज एयर मार्शल सुब्रोतो मुखर्जी ठीक है ये सब आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट ये जो एयरफोर्स जो था एयरफोर्स डे कब स्टार्ट हुआ था एयरफोर्स डे वो स्टैब्लिश्ड ऑन अक्टूबर फर्स्ट 1947 किसने किया था प्रेसिडेंट ट्रूम ने किया था ठीक है तो ये सारी बातें हैं और एक और एक बात है जो एवरी ईयर कहाँ पे मतलब एयरफोर्स डे कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है मतलब लोकेशन ये भी पूछ लिया जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए द हिंडियन एयरफोर्स स्टेशन इन उत्तर प्रदेश गाजियाबाद सिटी में इसका so, जो राइट right ऑप्शन है दैट इज अक्टूबर एट ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ठीक है तो अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का एयरफोर्स डे का क्या थीम है जल्दी से मुझे कमेंट पे बताइए देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज which day is celebrated as international day of elimination violence against women options are 6 january 7 february 10 october 25 november so the option right option is option d 25 november now moving to the next question october 2 the birthday of, of mahatma gandhi is internationally observed on so options are ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है ऑप्शन है नॉन वायलेंस डे वर्ल्ड पीस डे कम्युनल हारमोनी डे एंड वेजिटेरियन डे तो उसका जो राइट right आंसर है दैट इज नॉन वायलेंस डे सो द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है वो ऑब्जर्व किया गया था सेकेंड अक्टूबर ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन इज सदभावना दिवस ऑब्जर्व्ड ऑप्शन आर नवंबर 19, अगस्त 29, जनवरी 12 एंड अगस्त 20. तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सद्भावना का दिवस का मतलब क्या है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट श्री राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो ये इनका जो ऑब्ज़र्व किया गया था ट्वेंटी अगस्त ठीक है ट्वेंटी अगस्त को ऑब्ज़र्व किया गया था सद्भावना दिवस और इसका जो थीम क्या था थीम ये था कि सद्भावना इज टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड कॉम्यूनल हार्मनी एमंग पीपल ऑफ ऑल रिलीजन एंड लैंग्वेज ठीक है तो आप समझ गए क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन आर 25 सितंबर, 17 सितंबर, 16 सितंबर एंड 19 अगस्त तो मैं आपको बता दूं नाइनटीन नाइन्टी फोर ठीक है नाइनटीन नाइन्टी फोर में यू एन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड सिक्सटीन सेप्टेम्बर द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ठीक है राइट right आंसर क्या है सिक्सटीन सितंबर ऑप्शन सी तो यू एन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर फोर्टीन इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन सा फादर्स डे साइंस डे हिंदी दिवस यूनिटी डे सो आप लोग प्लीज इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए ठीक है इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन सो द हिंदी दिवस और हिंदी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन फोर्टीन सेप्टेम्बर टू मार्क द पॉपुलरिटी ऑफ हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ठीक है तो so, याद रखिएगा हिंदी दिवस और uh, इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन सी ठीक है सेप्टेम्बर फोर्टीन ऑल राइट ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंटी टेरिज्म डे कब मनाया जाता है ऑगस्ट ट्वेंटी अक्टूबर थर्टी फर्स्ट मे ट्वेंटी वन एंड जनवरी थर्टी सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ट्वेंटी फर्स्ट में ऑप्शन सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को पता होगा ऑप्शन है एट मार्च सेवन फेब एलेवन दिसंबर एट अप्रैल जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए एट मार्च ठीक है सो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही आई होप आज के वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ठीक है तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट कर लेना और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का सो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ और अगर कोई भी क्वेरीज है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमें टेक्सट कर सकते हैं प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल गेट द ऑल लिंक्स सो थैंक यू सो मच जय हिंद